हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सक्सेस की 90s इस चैनल पे आप सभी को जो है पूरा प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि जो तृतीय सेमेस्टर के हैं उनकी अच्छे से तैयारी हो सके, अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर आपको हर डे का अपडेट, हर प्रैक्टिस से बढ़िया से कराया जाता है। तो जो लोग चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और पूरी वीडियो देखें, हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पहले इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी तक ये पहुंच सके। प्रैक्टिस से सब कोई भी कर सके और सबको लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं कि विज्ञान में आज क्या है क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपका पहला है, क्योंकि आपका जैसे कि आपको पता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी विकल्पीय, उसके बाद आपके अति लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी, फिर द्विगुत्तरी आते हैं। तो यहाँ पर आपको विकल्पीय और लघुत्तरी, अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो है करवा दी जाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके वो सटीक आंसर आपको क्या देना है वो आपको पता चल जाए। चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय कार्बन के अपर रूप हैं। तो देखिए, जो कार्बन के अपर रूप है हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट है और हीरा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा है। लेकिन पता है आपको इनकी संरचना कैसी होती है? ये क्रिस्टलीय होते हैं, और फुलरीन, बहुत लोगों ने अभी तक नहीं फुलरीन को नहीं जैसे कि जाना है तो वो यहाँ पे जान ले कि जो हीरा ग्रेफाइट होता है वो हीरा और ये फुलरीन, ये तीनों जो होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं, परंतु सुगर चारकोल ये अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप है। तो सुगर चारकोल ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुप्रस्थ तरंगों के में जो है दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या है, वो तुमको बतानी है। बीच की दूरी होती है मतलब उसको क्या कहते हैं? तो नंबर एक आयाम, नंबर दो अर्ध आयाम, नंबर तीन तरंग दैर्ध्य, और नंबर चार अर्ध तरंग दैर्ध्य। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन सही है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आपका ऑप्शन सही है दो, जो दो पीक या चोटी के हैं या फिर श्रृंग कह लें तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। चलिए, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है ऑप्शन। ठीक है, फिर आपका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। डॉक्टरी जो है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है। आपको ऑप्शन दिया है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक, और 0 डिग्री रेडियन से 80 डिग्री रेडियन। तो ये सब देखिए, पहला देखते हैं कि कौन कौन सा। देखिए, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सही है, परंतु वहाँ पर जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए था क्योंकि ये सेंटीग्रेड में, तो ये ऑप्शन गलत है। 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 110, ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, और ये आपका जो ये नहीं होगा ना, ये तो ये होगा 0 डिग्री रेडियन, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, आपको थर्मामीटर वाला बताना है, जो डॉक्टरी में होता है वो आपका 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका मीटरी स्केल जो है वो होती है। चौथा क्वेश्चन आपका है कि पेचिस यानी इसको अमीबॉइसिस कहते हैं नामक बीमारी में निम्नवत में कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है। नंबर एक आपका जो है ऑप्शन दिया गया है जो है फ्लैबी वायरस, नंबर दो निमोटोड या कृमि, नंबर तीसरा ईस्ट, और नंबर चार एंटमीबा। जैसे कि पता है आपको ईस्ट एक आपका कवक है, ठीक है, एक प्रकार का कवक है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा, निमेटोड नहीं होगा। ये तो आपको सीधा पता है कि पेचिस की बात करी जा रही है, अमीबॉइसिस है ना, पेचिस की बात करी जा रही है। तो देखिए, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, इसके वजह से पेचिस हो जाता है। देखिए, हमारे शरीर में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो जिनका कुछ ना कुछ अपना विशेष काम होता है। कुछ का काम होता है कि खाना सड़ने से बचाएं, कुछ का काम होता है कि खाना को पचाएं। तो इस तरह से जो होते हैं आपका भोजन पाचन हर चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट सूक्ष्म जीव आपके शरीर में भी होते हैं।
फिलहाल के लिए जो पेचिस है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। आपका पांचवा जो है क्वेश्चन वो देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल इज इक्वल टू वस्तु का भार। अतः यानी कि आपको बताना है कि जो वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस पर जो उत्प्लावक बल लगता है वो बराबर होता है वस्तु के भार के। तो वहाँ पर वस्तु जल में डूबी हुई होगी या वस्तु सतह पर तैरेगी या जो है वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी या वस्तु सतह के नीचे पूरी डूबी हुई तैरेगी। अगर देखिए वस्तु भारी है ना भार के हिसाब से तो वो क्या होगा जो है उस पर उत्प्लावक बल लगेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा कि वस्तु सतह अगर वो डूब जाएगी ना तो डूबोने पर भी या पूर्णतः उसको डूबा दिया डूबने पर भी वो जो है उसका जो है वो डूबी हुई भी तैरेगी वस्तु के जो सतह के नीचे पूरी डूबी हुई भी तैरेगी। ठीक है तो ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे अतिलघुतरी क्वेश्चंस के बारे में जो कि यहाँ पर पूछे गए हैं अतिलघुतरी क्वेश्चंस। चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन ये देखिए छठा है ये आपका पहला है। ठीक है ये आपका क्वेश्चन पहला मतलब अतिलघुतरी में पहला है बाकी इस क्वेश्चन में आपका छठा है। चलिए आपको यहीं से देखना था। चलिए रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो अगर जैसे कि गैस में रिसाव हो रहा है एलपीजी गैस आपके यहाँ सिलेंडर है लीक हो रही है तो उसको पता लगाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे। वहाँ पे आप इसमें गंधक मिलाया जाता है। गंधक में कौन सा गंधक मिथाइल मार्केप्टोन मरकॉप्टेन यहाँ पे मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है। ये सल्फर के यौगिक को रंगहीन द्रवित पदार्थ है ना ये क्या है जो मिथाइल मार्केप्टोन है ये सल्फर का यौगिक है ये रंगहीन होता है इसका कोई कलर नहीं होता है तो गंधक मिलाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ पे है गंधक मिलाएंगे। चलिए क्रांतिक कोड से क्या अभिप्राय है। क्रांतिक कोड देख लीजिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप दोबारा से ये आपको एक बार देख लें तो आपको हेल्प मिले। क्रांतिक कोड से क्या अभिप्राय देखिए प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई करण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है जो किरण है चलिए यहाँ पर है जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है ना। और अगर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फिर जब अपवर्तन कोण का मान यानी कि जब कुछ अपवर्तित करी जा रही है ना तो अपवर्तन कोण का जो मान होता है मैं देखिए पहले जैसे कि ये रहा आपको यहाँ पर डायग्राम से बता दें मान लीजिए यहाँ पर एक आपकी किरण यहाँ से आई यहाँ पर आपतित हुई तो आपतित होने के बाद जो इसका अपवर्तन कोण है वो यहाँ पर हो जाए यानी कि यह आपका है 90 डिग्री। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जब इसका अपवर्तन कोण देखिए 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्रांतिक कोण कहते हैं उसको क्रांतिक कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन आपका संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखिए। तो इसमें है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंद होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बंद होते हैं। जो कार्बन परमाणु होते हैं उनमें डबल या ट्रिपल बंद होते हैं जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच मान लीजिए कार्बन है हाइड्रोजन इसके बीच मान लीजिए कि एकल बंद है तो यहाँ पर या आपको एज ए एग्जाम्पल बताया जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। परंतु जब यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन मान लीजिए इसके बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखना है आपको। तो जो सब्जी के रूप में यूज़ किए जाते हैं कवक उनका नाम लिखना है। तो आपका आंसर होगा एस्परजिलस और पेनिसिलियम
इन दोनों को पनीर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्ण विक्षेपण क्या है? अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, वर्ण विक्षेपण क्या है? जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और रंग समूह वर्णक्रम कहलाता है। और जो उसके बाद जब वर्ण विक्षेपण हो गया तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो उस 7 रंगों को क्या वर्णक्रम कहा जाता है। और वर्णक्रम का जो जो मतलब क्रम होता है उसको विभिग्योर से प्रदर्शित करते हैं। वी से वायलेट, ई से आई से इंडिगो, बी से होता है ब्लू, और जी से ग्रीन, या वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो इस तरह आपका विभिग्योर को फॉलो करता है वर्णक्रम। दाब का एसआई मात्रक लिखिए। दाब का जो एसआई मात्रक है उसको पास्कल कहते हैं। दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। चलिए इतनी बात तो आपकी हो गई, दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। चलिए पूरा आपका एक सेट हो गया है। ये आपका पेपर था 2018 का है पेपर। चलिए तो ये तो पेपर आपने सॉल्व कर लिया। देखिए बार बार इसी तरह के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं, एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, इसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, पेपर आसान सा हो जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर दें, और पूरा दिन का अपडेट जो यहाँ पर दिखाया जाता है इस चैनल से जुड़ें और अपडेट लेते रहें। जो मुख्य जानकारियाँ हैं वो सब यहाँ से मिलती रहती हैं आपको, और लाइक करना मत भूलिएगा। चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में नया टॉपिक।